हमारा आज का स्टे है एट पर्ल कॉन्टिनेंटल बूरबन लोकेटेड इन केपीके। Continental Bourbon has a room capacity of 194. The property has a car capacity of up to 170 cars. Viewers, today's episode is going to be a special one, not only for you but for me as well. क्योंकि आज का एपिसोड मेरी बहुत सारी मेमोरीज वापस लेके आने वाला है. Today we are at Pearl Continental Bourbon. अगर आप यहाँ पहले नहीं आए तो आई एम श्योर आपने बहुत कुछ मिस किया है. आई विल मेक श्योर टू मेक यू एक्सप्लोर ऑल द फैसिलिटीज दैट वी हैव हियर. तो फौरन से पहले करते हैं चेक इन विद अमीर हमजा. द वॉकवे, द आर्टिफैक्ट्स, द पेंटिंग्स, एवरीथिंग हियर मेक्स यू फील एक्सक्लूसिव एंड लग्जूरियस. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से? जी जी, चेक इन करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम अमीर हमजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? थैंक यू सो मच जी. वेलकम टू पीसी होटल भूलबन सर. ये हमारा यहाँ का ट्रेडिशन है कि हम यहाँ पे अपने जो है ना गेस्टों को जो है ये प्लांट्स देते हैं. वेरी नाइस. सो दैट यू कैन गो होम और आप इनको प्लांट करें ताकि आपकी और हमारी यादें साथ साथ बढ़ें. वाओ, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान. क्लीन पाकिस्तान, जबरदस्त जी. थैंक यू. हम आपको इसके साथ लगेज में रख देते हैं ताकि आप इसको जाते हुए अपने साथ में जा सकें. बेहतरीन, थैंक यू सो मच. प्लीज वेलकम सर. दिस वे जी. श्योर श्योर. थैंक यू. दिस वे सर फॉर योर चेक इन. अस्सलाम वालेकुम सर. गुड आफ्टरनून. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं सर? मैं जबरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक. वेलकम टू पीसी भवन. माय नेम इज अयर. हाउ इज द डे सर? जबरदस्त जी, जबरदस्त. एवरीथिंग वाज ग्रेट. जो हमारा रास्ता था वो भी बड़ा मजेदार था, वेरी सीनिक. और हम लाहौर से आ रहे हैं जी. अच्छा. और हमेशा की तरह पर्ल कॉन्टिनेंटल बूरबन उसी तरह है जिस तरह मैंने आज से बहुत साल पहले भी देखा था. मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम. तो बताइए, अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल हैं रूम्स की यहाँ पे? यस श्योर मिस्टर हमजा, हमारे पास बेसिकली थ्री कैटेगरीज रूम्स हैं. पहले जो हैं वो स्टैंडर्ड रूम्स आते हैं. स्टैंडर्ड रूम जो है वो पार्किंग साइड पे हैं. उनमें मास्टर बेड भी आपको मिल जाएगा और ट्विन बेड भी मिल जाएगा. ये हमारी वेलकम ड्रिंक है, हर्बल टी है, ये प्लीज़ लीजिएगा. थैंक यू सो मच जी. उसके बाद जो है वो डिलक्स रूम आता है. डिलक्स रूम हमारा सेमी वैली साइड पे है. सनी वाली साइड पे उसके साथ भी मास्टर बेड भी आते हैं और ट्विन बेड भी आते हैं. इसमें टू क्वीन साइज बेड है. राइट. देन एग्जीक्यूटिव रूम्स आते हैं. दोज आर द मोस्ट लग्जूरियस रूम्स. दैट्स ऑन वैली साइड. फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर पे है वो. वैली साइड पे, प्रॉपर वैली साइड पे है वो. Right. और द चार्जेस स्टार्ट फ्रॉम $150 एंड देन द डिलक्स रूम विल बी 170 एंड देन द टॉप फ्लोर एग्जीक्यूटिव रूम विल बी $190. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो मुझे आप बता सकते हैं कि फीचर्स में क्या फ़र्क है इन तीनों कैटेगरीज में? अगर हम स्टैंडर्ड से आते हैं डिलक्स की तरफ और फिर एग्जीक्यूटिव की तरफ, तो हमें फीचर्स में क्या फ़र्क मिलता है? जी मिस्टर हमजा, हमारे पास रूम का साइज़ तो तमाम रूम्स का सेम ही है. फैसिलिटीज़ भी रूम्स में सेम ही होंगी. ऑल राइट. बट जो व्यू का डिफरेंस है बेसिकली, ये आपको पता है पीसी भूवन में लोग आते ही जो है व्यू की वजह से, माउंटेन व्यू होगा. तो दैट्स पे जो रेट डिफर कर रहा है वो आपको व्यू की वजह से ही डिफर कर रहा है. ओके. और हमारे पास एक नई प्रमोशन है हमारी, पीसी मोबाइल ऐप है. उससे आप अगर बुकिंग करवाते हैं तो आपको फर्स्ट बुकिंग पे 20% डिस्काउंट भी मिलेगा. वो स्टार्ट होगा 1000 पॉइंट्स के साथ. उसके बाद आप जैसे जैसे बुकिंग करवाएंगे रूम्स की भी और रेस्टोरेंट्स की भी, आपको वैसे वैसे पॉइंट्स मिलते रहेंगे और आपकी जो है प्रमोशन सब वैसे चलते रहेंगे. वंडरफुल जी. मैं इसी तरफ आ रहा था कि क्योंकि ऑब्वियसली आप एक लग्जरी को इंजॉय करते हैं तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा ही होती है. जी जी. तो उसके लिए अगर कोई प्रमोशंस हो या कुछ हो तो आपने बताया कि ऐप के जरिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे. इसके अलावा हमारा एक और पैकेज है जिसको हनीमून पैकेज कहते हैं. अच्छा. अगर आप अपनी वाइफ के साथ आना चाहते हैं तो उसमें हनीमून पैकेज में हम सेम प्राइस में आपको रूम डेकोरेशन, एक कम्प्लीमेंट्री केक और एक डिनर अरेंज करके देते हैं जो कि हमारे रेस्टोरेंट में होता है. Wow. विद सेलिब्रेशन. जबरदस्त. Yes. जी, दिस इज अ न्यू वन. यस, दिस इज अ न्यू वन.
चले जबरदस्त है, तो क्या रिकमेंड करेंगे, कहाँ स्टे करूँ मैं? सर पहली व्यू दिएगा मुझे, स्टैंडर्ड में नहीं रहना। श्योर, व्हाई नॉट। हाउ मेनी पर्सन आर विद यू? आई एम द ओनली वन। ओके मिस्टर हमजा, आपको एग्जीक्यूटिव रूम, आई थिंक यू हैव टू गो फॉर द एग्जीक्यूटिव रूम, दैट्स ऑन टॉप फ्लोर्स। राइट, सो मेरे पास अवेलेबिलिटी है एग्जीक्यूटिव रूम में, मास्टर बेड में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ये फोर्थ फ्लोर है हमारा, और आपको इसी फ्लोर पे हम दे देंगे, लॉबी फ्लोर है, बिल्कुल साथ ही आपको रूम मिल जाएगा। बेहतरीन, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट। अरे जी, चेक इन करें फिर फॉरन से पहले। मे आई हैव योर आईडी कार्ड? श्योर श्योर। ये थैंक यू सो मच। This is your pen. By the way, tea is very good. Thank you so much. I want your contact number, email address, and your one signature right here. Sure. So it is the executive room, sir, with master bed. The two-person breakfast will be complimentary. The breakfast is in Nadia restaurant. This is Nadia restaurant. Right. This is a buffet. And the timing will be 7:30 to 10:30. Gym, jacuzzi, and sauna will be complimentary. That's on first floor. And full basket is complimentary in room. Mini bar will be on charge basis. And gym jacuzzi sauna, the timing will of gym is 8 a.m. to 11, and the jacuzzi will be open at 10 a.m. And onwards 11. So the complimentary facilities are for all the rooms. Yes, for all the rooms there will be 2% breakfast, gym, jacuzzi, and sauna. Food basket is complimentary. Yes. That is like value for money then. Yes, sir. Wi-Fi is an open network with the name of PC Guest. You can log in with your room number and your last name. ठीक है. And then your room keys. I'm going to give you the room keys. Sure. Yes. So these are your room keys. This is your room keys. Thank you so much. Thank you, and have a nice stay. And can you please come to the concert? Sure. They will guide you towards the room, and they will bring your luggage if you have. All right. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. All right, please. Shajil, नहीं आप रूम तक गाइड कर देंगे और आपका लगेज। Great जी। Shajil साहब आएं आप, लेके चलें मुझे। Thank you. व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं रूम कॉरिडोर्स जो यहाँ पर हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त डिम लाइटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, और आप देख सकते हैं कि लैंप के नीचे पेंटिंग्स लगी हुई हैं बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है रूम्स की, कॉरिडोर्स की, डिम लाइटिंग की, वो ये होती है कि आपको प्राइवेसी जो एक चाहिए होती है अपने रूम के बाहर, वो आपको मिल रही होती है। फाइनली माई रूम इज़ हेयर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई रूम। The room looks absolutely amazing, बड़ा ही well maintained है। लेकिन सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ जो वैली व्यू हमें इस रूम से आता है, उसको देखते हैं। तो चले मेरे साथ, और ये हमारी बैल्कनी है। ओह वाओ, द व्यूज आर वेरी सीनिक, और जो गार्डन है वो भी बहुत अमेजिंग है, वेरी वेल मेंटेन्ड। आई कैन सी द फ्लावर बेड्स हियर। और उसके अलावा जो बहुत फैसिनेटिंग और मेसमराइजिंग चीज़ है ना यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो बड़ी अमेजिंग है। आपको लिटरली 7-8 लेयर्स नज़र आएंगी यहाँ पे माउंटेंस की। आई कैन ऑल्सो सी द पूल। उसके अलावा यहाँ पर एम्फीथिएटर भी है, यहाँ पर बच्चों के खेलने की जगह है। गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं जाने लगा हूँ होटल लॉबी की तरफ, उसके बाद हम एक गार्डन में जाएंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक भी बना हुआ है फॉर ट्रैकिंग, हम उधर भी जाएंगे, उसको भी देखेंगे, और फिर हम वापस रूम में आएंगे और फिर रूम को रिव्यू करेंगे। तो चले मेरे साथ चलते हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल बूर्बन की लॉबी में। व्यूअर्स,
वी आर बैक इन द लॉबी, क्योंकि लॉबी से हम फॉरन ही रूम की तरफ चले गए थे तो हमने लॉबी को रिव्यू ही नहीं किया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये गोल्डन एक्सेंट्स की, तो आपको लॉबी में एंटर होते साथ ही बड़ी रॉयल फील आएगी क्योंकि सारा का सारा गोल्डन मार्बल के साथ आपको मिलेगा, साथ आपको गोल्ड एक्सेंट्स मिलेंगे। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर लगी है, वो है यहाँ के जो प्लांट्स जो है वो बहुत ही रॉयल लुकिंग प्लांट्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट है वो अप टिल द रूफ जा रहा है और ये बड़े ही एक ग्रैंड फील देता है। पीसी बूर्बन की लॉबी की एक और बड़ी अमेजिंग फीचर ये है कि यहाँ पे स्काईलाइट जो है वो आपको ऑलमोस्ट हर तरफ से मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं रूफटॉप पे बड़े ज़बरदस्त शैंडलियर्स जो हैं, लैंप्स हैंग कर रहे हैं और वहीं से आपको स्काईलाइट जो है वो भी आती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है नादिया रेस्टोरेंट और एक रेस्टोरेंट है टेरेस कैफ़े। टेरेस कैफ़े से आपको आउटडोर फील नज़र आती है पूरी की पूरी, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू आता है। और नादिया रेस्टोरेंट जो है उसमें यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट बुफे ऑफ़र होता है, अलाकार्ट ऑफ़र होता है, ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे। लॉबी में आपको एक कॉफी शॉप भी मिलती है विद अप टू डेट डिजर्ट रेंज एंड टेस्टी बेकरी आइटम्स। लाइक नो अदर होटल यू विल फाइंड अ फ्लावर शॉप सिचुएटेड एट पर्ल कॉन्टिनेंटल बूर्बन। कहते हैं कि ये सारे के सारे फ्लावर्स पर्ल कॉन्टिनेंटल के गार्डन में ही ग्रो करते हैं। व्यूअर्स, राइट बिहाइंड मी इज खैबर हुजरा, ये हमने देखा था मुजफ्फराबाद में भी और ये पर्ल कॉन्टिनेंटल बूरबंद में भी है। बेसिकली शनवारी फूड मिलता है आपको और शनवारी थीम जो है वो आपको यहाँ एक्सप्लोर करने को मिलता है, इन्जॉय करने को मिलता है। यहाँ पे हम आज डिनर भी करेंगे लेकिन अब हम जा रहे हैं ट्रैक की तरफ थोड़ी ट्रैकिंग करने, तो चले मेरे साथ। व्यूअर्स, खैबर हुजरा का एम्बियंस डे में भी बड़ा मज़ेदार है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक वाटरफॉल है और साथ ही कुछ डक्स हैं यहाँ पे जो उस वाटरफॉल से जो पानी आ रहा है उसको वो पी रही हैं। बड़े मज़ेदार सिनेरियोज हैं। व्यूअर्स, आई एम फाइनली ऑन द ट्रैक जो यहाँ पर मौजूद है ट्रैकिंग के लिए। बड़ा ही सेफ एंड सिक्योर ट्रैक है। अगर आपको पर्ल कॉन्टिनेंटल बूरबन में सिक्लूजन चाहिए तो वो वाला फ्लेवर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब हम ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो ट्रैक है वो कितना चैलेंजिंग है और वहाँ पे हमें रास्ते में क्या क्या मिलता है। लेट्स गो। व्यूअर्स, आज वेदर भी सनी है, बड़ी मज़े की कट लाइट जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस ट्रैक की मैं बताना चाहता हूँ, आफ्टर एवरी 15 टू 20 मीटर्स आपको यहाँ पर बैठने की जगह मिलती है, साथ आपको बिन भी मिलती है ताकि आप ऑब्वियसली इसको ख़ुद भी मेंटेन कर सकें। और ये जो ट्रैक है बड़ा हाईली मेंटेन्ड है और यही ख़ास बात है पर्ल कॉन्टिनेंटल बूरबन की कि आपको इस रिज़ॉर्ट में इतनी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, एम्पी थिएटर वाली एंटरटेनमेंट मिल रही है, देन यू हैव लोड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट क्यूजींस मिल रही हैं और आइसिंग ऑन द केक ये है कि आपको एक बेहतरीन ट्रैक भी मिल रहा है जो आप बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्यूअर्स, पर्ल कॉन्टिनेंटल बूरबन जो है वो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन दे देता है सिक्लूजन का भी और मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ का भी। और आप यहाँ पे बाकायदा पूरा अपना दिन स्पेंड कर सकते हैं, इनटू द वाइल्ड आप सुन सकते हैं बर्ड्स की आवाज़ें, डिफरेंट डिफरेंट तरह की आवाज़ें हैं यहाँ पे। हमने बहुत सारी बटरफ्लाइज देखी हैं और नेचर को आप बड़े क्लोजली एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पे। व्यूअर्स, डेस्टिनेशन डाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमने मुजफ्फराबाद पीसी में भी देखा था और अब पर्ल कॉन्टिनेंटल बूरबन में भी
इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। व्यूअर्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब मुझे फाइनली भूख लग गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं टेरेस कैफ़े है, यहाँ से हम लंच करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पे खाने में क्या क्या हमें मिलता है। Viewers, my food is finally here. Fresh pizza और उसके साथ I think, oh yes, chicken parmesan. I just can't wait to taste it. Thank you so much. Viewers, दोनों ही items बहुत ही appetizing लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि किससे start करूँ। I think ये clay oven pizza है, freshly baked. यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त इसका एक सेटअप है, प्रॉपर वुड फायर जिसको ये कहते हैं, उससे ये बनता है। और लेट्स ट्राई दिस आउट और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि हाउ इट टेस्ट। व्यूअर्स, द टेस्ट इज सो गुड, ट्रस्ट मी, आई एम लविंग इट। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे बैठ के जो व्यूज़ हैं ना, वो इतने अमेजिंग हैं। टेरेस कैफ़े की खास बात ये है कि आपको आउटडोर एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन कंट्रोल्ड वेदर में। तो जितनी मर्ज़ी ठंड में आप आएँ, जितनी मर्ज़ी गर्मी में आप आएँ, आपको बड़ा कंट्रोल्ड वेदर मिलता है और आउटडोर का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। इससे पहले ये जो था ये ओपन एयर होता था, तो हमेशा यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम रहते थे कि बड़ी हवा चली तो खाने पे जो है डस्ट आ गई, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग यूएस चिकन पार्मेसान भी बहुत मज़ेदार है, और ये जहाँ के जो शेफ़ हैं उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था कि ये ज़रूर ट्राई करें आप, और बहुत मज़ा आया मुझे ये खाने। Really, really, really yummy. बैक इन माई रूम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रूम में अमेनिटीज़ हमारे पास क्या है। रूम में जी हमारे पास दो 1.5 लीटर की मिनरल वाटर्स हैं, उसके साथ ही चाय का सामान है, साथ हमें यहाँ पे मैरी बिस्किट भी मिल रहे हैं और हमें कॉफ़ी का सामान भी मिल रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो है ये ड्रॉअर है जी, जिसके ऊपर आप चीज़ें रख के प्रिपेयर कर सकते हैं, चाय वगैरह बना सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे चीज़ लगी इस रूम में वो है ये वाली पेंटिंग। जैसे कि अभी हमने गार्डन में भी देखा था, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हमने देखे, तो ये जो बेसिकली पेंटिंग है ये पैरेट, ये इस चीज़ को डिपेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक बटरफ्लाई भी बनी हुई है, और मुझे पता चला है कि ये सारे के सारे रूम्स में आपको यही पेंटिंग नज़र आएगी और यही बटरफ्लाई बनी हुई नज़र आएगी। बेड की तरफ चलते हैं जी, तो बेड में ऑब्वियसली आपको दो साइड टेबल्स मिलती हैं और उसके साथ एक ये मिरर के ऊपर माउंटेड लैंप मिलता है। इस बेडरूम में आपको दो साइड टेबल्स मिलेंगी, एक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और दूसरी का जो साइज़ है वो रेगुलर साइज़ जिस तरह का होता है एक साइड टेबल का वो है। हम बड़ी ड्रॉअर की तरफ चलते हैं, बड़ी साइड टेबल की तरफ चलते हैं और इसकी स्मूथनेस चेक करते हैं। नाइस, वेरी नाइस। व्यूअर्स, ऑल दो ये प्रॉपर्टी 1992 में तैयार हुई थी, लेकिन ये आज भी
बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और इसका जो फर्नीचर है, इसकी जो फील है, इसकी वॉल्स, इसकी सीलिंग्स, वो आपको बिल्कुल एज गुड एज न्यू लगेंगी। व्यूअर्स, अब हम बेड कंफर्ट चेक करेंगे। वेलकम टू पीसी बूर्बन, आई लव दिस टच। हाँ व्यूअर्स, मज़ा आ गया। जितना मैं थका था ना, सारी थकान मेरी उतर गई है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन अगर मैं सो गया तो बाकी का रूम जो है वो कौन रिव्यू करेगा, तो सो हम नहीं सकते। व्यूअर्स, एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये है कि इस बेड का हेडबोर्ड जो है वो सॉफ्ट है, तो इसलिए अगर आप टेक लगा के बैठेंगे तो आप बड़े कम्फर्टेबल रहेंगे। आपको साइड टेबल्स में दो मिरर्स भी मिलते हैं, और उसके अलावा इस रूम में आपको टोटल तीन चेयर्स मिलती हैं, तीन सोफाज मिलते हैं। द कंफर्ट इज ऑन पॉइंट, द कलर इज वेरी रिफ्रेशिंग। इस सेटअप के अलावा वी हैव अ स्टडी टेबल सेटअप एज वेल, उसके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का ओवल शेप मिरर आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इसको एज अ ड्रेसर भी यूज़ कर सकते हैं आप, और आप इसको एज अ स्टडी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। लैम्प का एंगल बेहतरीन है, आई जस्ट लव द रूम। व्यूअर्स, मीडिया वॉल की बात कर लेते हैं, तो 50 इंचेस की एलईडी जो है यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी वो है रोप लाइटिंग का जो एलिमेंट है ना, जो आउटलाइन दी हुई है, वो बहुत ही ज़बरदस्त फील, एक लुक और फील क्रिएट कर रहा है इस रूम में। रूम क्लोजेट में आपको डिजिटल लॉकर मिलता है, जाय नमाज मिलती है, शू शाइनर और सॉफ्ट स्लाइड्स भी मिलती हैं। इस रूम में आपको फुल लेंथ मिरर भी मिलता है, और साथ ही अब वॉशरूम की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, वॉशरूम का जो डोर है वो स्लाइडिंग है, जनरली स्लाइडिंग डोर जो हैं वो नहीं होते, लेकिन ये इस डोर का फ़ायदा ये हो जाता है कि स्पेस बहुत कम यूटिलाइज करता है डोर। वॉशरूम में आपको 5-स्टार वॉशरूम एमिनिटीज़ मिलती हैं, हेयर ड्रायर के साथ साथ ओवरऑल वॉशरूम की लुक भी मॉडर्न लाइंस पर देखने को मिलती है। रूम सर्विस प्लीज। गुड इवनिंग जी। व्यूअर्स, इन ओनली 6 मिनट्स 46 सेकंड्स मेरी चाय जो है वो मेरे रूम तक आ गई है, और आपको बताता चलूं कि दिस इज़ द न्यू रिकॉर्ड जो पर्ल कॉन्टिनेंटल बूर्बन ने बना लिया है। प्लीज़, चाय का कप हो और बालकनी से ऐसा व्यू आता हो तो कोई क्यों उस व्यू को एंजॉय करते हुए चाय नहीं पिएगा। व्यूअर्स, अब हम कर लेते हैं वाईफाई टेस्ट। इंटरनेट का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हिल स्टेशन पे। तो देखते हैं कि हमें यहाँ इंटरनेट की स्पीड क्या मिल रही है जो हमें ये प्रॉपर्टी दे रही है। ओह, इट्स प्रीटी फास्ट, 36 ऑन अ हिल स्टेशन, वाओ। This is the first time ever कि मैं एक होटल में टेनिस खेल रहा हूँ। Loved the experience. You will experience very well maintained swimming pool along with a beautifully built play area for the kids.
पर्ल कॉन्टिनेंटल भूभन आपको वेडिंग हॉल्स, कॉर्पोरेट हॉल्स और मीटिंग रूम्स भी प्रोवाइड करता है। The property offers you salon services and cinema hall where you can even experience 3D films. Wow! Apart from Nadia Restaurant, Terrace Cafe and Khaybar Hujra, you will get to experience Chinese food under the name of Taipan. You will also find a game room where you can play billiard, board games and lots of other entertaining games. The property has state-of-the-art health club and spa services. पर्ल कॉन्टिनेंटल भूरबन में आपको एम्फीथिएटर भी मिलता है जहां आपको ऑलमोस्ट हर रात लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंसेस एंजॉय करने को मिलती है। लवली प्लेस जी, मैं यहाँ पे आया था दिन में भी, बहुत ही डिफरेंट इसकी लुक थी और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, लेकिन रात में तो यहाँ का नक्शा ही बदला हुआ। सर, ये हमारे जो नदीम चोरी साहब हैं, हमारे जीएम साहब, वो जब आए थे तो उन्होंने ये प्लेस देखा था। इधर पहले हम इवेंट कराते थे हाल ही, तो फिर उन्होंने इसको केपी के थीम की तरह ना, जैसे खुजरा बोलते हैं केपी के में, जो लोगों के बड़े बड़े हुजरे होते हैं। जानना ही चाह रहा था कि खैबर तो हम सबको पता है जी, तो हुजरा का क्या मतलब है? हुजरा सर वो केपी में एक है कि वो बड़े बड़े बने होते हैं घर की तरह, बड़े बड़े उसके नीचे जो है बैठ के तो खाना शाना खाते हैं। ओके। तो जी वो केपी में जो है ना बड़ा चल रहा है इसका सीन, जबरदस्त। वो ही फिर हमने इधर भी बनाया। अच्छा, तो इधर जो फूड भी है वो भी सारा केपी के का ही है। राइट राइट। जैसे टिक्का, दम पुख्त हो गया, दुम्बा कढ़ाई, मतलब फ्रेश दुम्बा सारा चल रहा है। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मुझे रिकमेंड करेंगे मैं क्या खाऊं? सर ऐसे तो सारी चीजें माशाल्लाह बहुत टेस्टी हैं, लेकिन जो मेरी पसंद की है उसमें चर्ची टिक्का और दम पुख्त, तो वो मैं आपके लिए रेडी कराता हूं। हो जाए क्या? जी जी, आप फौरन से पहले हो जाए। जी जी प्लीज, आप बैठे, मैं रेडी करवाता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, माय फूड इज फाइनली हियर and the aroma is so nice. Oof, kisse start karunga? I think I'm gonna start with the tikka. व्यूअर्स, जर्सी टिक्का भी बहुत मज़े का था, लेकिन दम पुख्त जो है ना वो नंबर ले गया, बहुत मज़े का। Breakfast buffet at Nadia restaurant offers everything from halwa puri to cereals to fresh juices and fruits to what not.
Not only the range is vast, but also the quality is super amazing. व्यूअर्स, इसी के साथ हमारा पर्ल कॉन्टिनेंटल बूर्बन का जो स्टे है वो ख़त्म हो रहा है। और एक बात जो तय है वो ये है कि पर्ल कॉन्टिनेंटल बूर्बन में आपको होटल फैसिलिटीज़ के अलावा ज़बरदस्त किस्म की जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो रिजॉर्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और ये कॉम्बिनेशन आपको पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको ट्रैक करने के लिए फैसिलिटी मिल रही है, उसके अलावा आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, आपको टेनिस कोर्ट मिल रहा है, यू नेम इट दे हैव इट। और सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे लगी वो ये है कि इतनी पुरानी प्रॉपर्टी होने के बावजूद ये जगह इंतहाई वेल मेंटेन्ड लगी मुझे। और नॉट ओनली वेल मेंटेन्ड, बल्कि मुझे यहाँ पर कई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली, जैसे डेस्टिनेशन डाइनिंग, उसके अलावा खैबर हुजरा। ट्रस्ट मी गाइज, इतना मज़ेदार टेस्ट था उस खाने का कि आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए, और कम से कम वो तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हम इस प्रॉपर्टी को क्या रेटिंग देंगे ये आप थोड़ी देर तक जानेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़। वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल बूर्बन का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा 6 out of 7। फ्रंट डेस्क रिसेप्शन 6, होटल क्लेनलीनेस 6, फ्री वाईफाई 6, रूम क्लेनलीनेस 6, ब्रेकफास्ट क्वालिटी 6, रेस्टोरेंट क्वालिटी 6, स्टाफ 6, फैसिलिटीज 6, कंफर्ट 7, लोकेशन 7, वैल्यू फॉर मनी 6। वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल बूर्बन की ओवरऑल रेटिंग्स बनती हैं 6.7 स्टार्स। अमेजिंग।